गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट SST चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अभी। जो नेक्स्ट हमने आपको स्थानीय सरकारों के बारे में बताया था और स्थानीय सरकार के अंतर्गत हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे किया जाता है और किस तरीके से होता है। आज हम आपको द मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यों के बारे में बताएंगे कि ग्राम पंचायत हमारे लिए क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहले इसका कार्य है इट प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल। नंबर टू है इट लुक्स आफ्टर द विलेज क्लीननेस। नंबर थ्री इट स्टार्ट स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। फोर्थ इट स्टार्ट सेंटर फॉर एडल्ट एजुकेशन। नंबर फाइव इट कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर्स विलेज वेल्स पॉन्ड्स एंड टैंक्स। तो सुनिए ध्यान से, जो ग्राम पंचायत का पहला कार्य है इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, यह सभी लोगों के लिए, यह सभी लोगों के लिए स्वच्छ पानी प्रदान करती है। जो ग्राम पंचायत है वो सभी लोगों के लिए जो पीने योग्य पानी होता है स्वच्छ, उसको उपलब्ध कराने में मदद करती है। नंबर टू इट लुक्स आफ्टर द विलेज क्लीननेस, यह गांव के लोगों की या गांव की स्वच्छता के बारे में देखभाल करती है। यह गांव की स्वच्छता की देखभाल करती है कि गांव स्वच्छ रहना चाहिए, सड़क गली और ये नाले वगैरह वो सभी साफ सफाई होनी चाहिए, इस चीज़ की देखभाल करती है ग्राम पंचायत। नंबर थ्री इट स्टार्ट स्कूल फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यह बच्चों की शिक्षा के लिए, यह बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल स्टार्ट करती है, स्कूल शुरू करती है, विद्यालयों की स्थापना करती है ग्राम पंचायत। चौथा नंबर है इट स्टार्ट सेंटर फॉर एडल्ट एजुकेशन, यह जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए केंद्र शुरू करती है, सेंटर बनाती है, यह प्रौढ़ शिक्षा सेंटर शुरू करती है। नंबर फाइव इट कंस्ट्रक्ट एंड रिपेयर्स विलेज वेल्स पॉन्ड्स एंड टैंक्स। इट कंस्ट्रक्ट, यह निर्माण करती है और उनकी रिपेयरिंग करती है विलेज वेल्स, गांव के जो कुएं होते हैं जैसे पॉन्ड तालाब होते हैं, टैंक्स और टैंक, यह गांव के कुएं तालाब और टैंक उनका निर्माण करती है और उनकी मरम्मत भी करती है। नंबर सिक्स इट प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी एट द डिस्पेंसरीज। इट प्रोवाइड बेटर हेल्थ, यह औषधालयों में जो सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उनकी सुविधाएं प्रदान करती है, यह औषधालयों में जो स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करती है। नंबर सेवन इट सेटल्स माइनर डिस्प्यूट्स बिटवीन विलेजर्स। इट सेटल्स, यह गांव वालों के मध्य में जो छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं गांव वालों के बीच में, आंशिक झगड़े, उनका निपटारा करती है। ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्रामीण लोग होते हैं उनके बीच में जो आंशिक झगड़े हो जाते हैं उनकी क्या करती है, उनका निपटारा करती है। नंबर एट इट गाइड्स फार्मर्स टू एडॉप्ट न्यू टेक्निक इन फार्मिंग। इट गाइड्स, यह खेती में किसानों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए गाइड करती है, उनको मतलब प्रोन्नत करती है, यह किसानों को खेती में नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करती है। नंबर नाइन इट ऑर्गेनाइज फेयर एंड फेस्टिवल्स, यह मेले और त्योहारों का ऑर्गेनाइज करती है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये है कि यह अपने गांव में मेले लगवाती है और त्योहार मनवाती है ग्राम पंचायत। नंबर टेन इट लुक्स आफ्टर द रोड्स एंड स्ट्रीट ऑफ द विलेज। इट मन, यह गांव की गली एवं सड़कों की देखभाल करती है, यह गांव की सड़क एवं गलियों की देखभाल करती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है वास्तव में बहुत कार्य करती है गांव के लिए, तभी तो हर स्तर पर, जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, नगर स्तर पर नगर पंचायत होती है, जिले स्तर पर जिले के हिसाब से होती है, फिर राज्य स्तर पर, फिर देश, तब पूरा देश चलता है। अब इससे आगे पढ़ो, फॉर ऑल दीज वेलफेयर प्रोग्राम्स द पंचायत नीड्स मनी। फॉर ऑल दीज वेलफेयर, इन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, इन कल्याणकारी कार्यों के लिए पंचायत को पैसों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? धन की। दिस मनी कम्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट।
दिस मनी यह धन कम्स आता है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार से इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट अनुदान के रूप में। यह धन राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में आता है। ऑल पीपुल रेस्पेक्ट द पंचायत ऑफ देयर विलेज। ऑल पीपुल सभी लोग रेस्पेक्ट सम्मान करते हैं द पंचायत पंचायत का ऑफ देयर विलेज अपने गांव में अपने गांव की सभी लोग अपने गांव की पंचायत का बहुत ही सम्मान करते हैं। ओके इससे आगे फिर हम अगली पढ़ाएंगे। थैंक्स।